नमस्कार दोस्तों, व्यास ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे, मैं आज करने वाला हूँ स्प्रे। ये देखो, ये मैंने ड्रम लगाया हुआ है, ये मेरे यहाँ पर मशीन है। अब मैं घोलूँगा इसमें दवाई, फिर करेंगे स्प्रे। तो किस चीज़ की स्प्रे करेंगे उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। चलो चलते हैं, लेट्स गो। ये देखो दोस्तों, ये है इंडोफिल M45। इसको घोलेंगे हम पहले टप में। कैसे घोलेंगे, चलो चलते हैं। कुछ इस तरह होती है ये पीली पीली, इसको घोलेंगे हम इसमें डाल के कुछ इस तरह से। दोस्तों हम कीटनाशक भी डालेंगे इसमें, मलफिन टॉलफिन। ये देखो, आप देख ही रहे होंगे, इसको डालेंगे हम 200 ml एक ड्रम में। तो ये मैंने काटा हुआ 200 ml का, इसको दो डालेंगे हम इसको इसमें। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखो दोस्तों, मैंने अनार के लिए दवाई लाई हुई है। ये देखो, ये देख ही रहे होंगे आप ये स्टिकर। जो बारिश बुरिश होती है तो स्प्रे इसके साथ नहीं धुलती है। और ये मैंने टॉनिक लाया हुआ है, ये देखो अनार के लिए, ये देखो। और ये लाया मैंने मिट्टा, मिट्टा तो आप जानते हैं, जैसे जो पेड़ों में जैसे पत्ते में छोटे छोटे तिल्य टाइप की बीमारी लगती है, छोटे छोटे कीट होते हैं उनको मारने के लिए। ये देखो, एक ड्रम के लिए एक ये डालना 100 ml। तो चलो इसको ड्रम में डालते हैं, इसका अच्छी तरह से घोल करते हैं। और दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे इस तरह से कुछ। फिर हम इस घोल को ड्रम में डालेंगे कुछ इस तरह से, देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको मेरी बिजली से चलने वाली मशीन। ये देखना, अभी मैं स्विच का बटन ऑन करूंगा और ये मेरी मशीन चालू हो जाएगी। ये देखो, कुछ इस तरह से है मेरी बिजली की चलने वाली मशीन। इसी से मैं स्प्रे करता हूँ। ये ड्रम है मेरा, ये देखो। दवाई को हम अच्छी तरह से घोलेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से मिश्रण को। दवाई डाल तो दी है मैंने, वो तो देखा ही आपने, ये देख सकते हैं आप। मैं अपने घर के पास से ही स्प्रे पूरे बगीचे में कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिजली वाली मशीन है और 200 मीटर पाइप है मेरे पास। तो दोस्तों चलो चलते हैं, चल के करते हैं स्प्रे। तो चलो लेट्स गो। आज हम कर रहे थे अपने सेब के नाक पलम के बाग में स्प्रे। तो स्प्रे कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, यहाँ पर नाशपतियाँ भी लगी हुई है, ये दिख रही होनी आपको। अब इनको स्प्रे भी करेंगे। तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में, किस तरह करते हैं स्प्रे ये देखना आप। तो चलो चलते हैं, करते हैं स्प्रे, लेट्स गो। ये देखो, ये लगे हम नाशपति के पेड़ में स्प्रे करने। नाक भी बोलते हैं इनको।
ये देखो मेरे पलंग भी कितने बहुत अच्छे हुए इस बार। ये देखो कितने सारे पलम लगे हुए हैं। ये मैंने सर्दियों में ग्राफ्टिंग की थी, ये भी चल पड़ी है सारी ब्रांचें। ये देखो अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे हम इनको ताकि इसको कीट वगैरह ना लगे। हम डाइथिन की स्प्रे करें, डाइथिन की स्प्रे पत्तों के लिए होती है ताकि इसके पत्ते खराब ना हो और अगली साल के लिए स्पर बने अच्छे से। ये देखो पलम देखो किस तरह से लगे हुए हैं पेड़ों में, बहुत अच्छी फसल है इस बार पलम की। जो सेब और नाशपाती में जो बैक्टीरिया लगता है उसके लिए ये स्प्रे की जाती है। ये देखो ये देखो बान का पेड़ है, इधर बान के पेड़ों के बीच से पेड़ है नाक के, उसमें स्प्रे कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक आपको पेड़ और दिखाता हूँ जिसको बोलते हैं ढोलकी का पेड़। ये देखो आपको दिख रहा होना ये वाला, बोलते हैं इसमें इसकी लकड़ी से ढोलकी बनती है। अब सच झूठ का तो पता नहीं मुझे, कोई फल दिखाई दे। और भी दिखाते हैं कुछ आगे चल के। ये देखो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। देखो सेब देख ही रहे होंगे आप, ये देखो इनके जो पत्ते होते हैं इन पत्तों को स्प्रे करनी पड़ती है। अगर इनको स्प्रे नहीं करेंगे तो ये पत्ते ख़राब हो जाएंगे और सेब भी ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए तो इन सेबों को स्प्रे करनी पड़ती है। ये देखो ये वो लिफाफे लगाए थे हमने उस टाइम पॉलिनेशन के लिए। ये देखो दोस्तों अनार नहीं है, ये अनार के पेड़ों में भी बहुत अच्छा फूल आया हुआ इस बार। देखो ये देख ही रहे होंगे आप, तो अनार भी इस बार ठीक होंगे। तो इन अनार को भी मैं अब स्प्रे करूँगा सेब को और नाक को स्प्रे करने के बाद। ये देखो तो आई होप दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्प्रे वाला वीडियो। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।